फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग कैसे करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल इजी स्टेप बताएंगे, आपको देखना है और फॉलो करना है और वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड अपने फ़ोन में डायल पैड को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में आपको कॉलर आईडी एंड स्पैन पे क्लिक करके ये दोनों ऑप्शन ऑन कर देना है। ऐसे आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक नंबर, ब्लॉक नंबर पे क्लिक करना है। अनऑन नंबर, अनऑन नंबर पे आपको यहाँ पे ऑन करके आप अपने फ़ोन में अनऑन नंबर की कॉल ब्लॉक कर सकते हैं। तो अपने फ़ोन में किसी एड नंबर या पर्सन नंबर की कॉल ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप नंबर पर एड नंबर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी अपना नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ ब्लॉक कर देंगे। इससे फिर आप अपने फ़ोन में कॉल ब्लॉक करेंगे। बैक होंगे, बैक होने के बाद में आपको कॉलिंग अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप अपने फ़ोन में कॉल वेटिंग, कॉल फॉरवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से अपने फ़ोन में कॉल वेटिंग, कॉल फॉरवर्ड करेंगे। फ्रेंड यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। फ्रेंड यहाँ पर डिस्प्ले पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर क्लिक करने के बाद में स्टोर बाय पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर आपको जो है वो आप अपने फ़ोन में फर्स्ट नेम से या लास्ट नेम से शो करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं तो आप अगर फर्स्ट से शुरू करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर तो फर्स्ट पे देना है। अगर सेकंड से शुरू करना चाहते हैं तो लास्ट नाम से करें तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर लेना। तो इसी पर आप अपने फोन में कॉन्टैक्ट नंबर शो कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा नेवर प्लीज, नेवर प्लीज पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर नेवर प्लीज का ऑप्शन ऑन है। यहाँ पर आपके फ़ोन में अगर ऑफ हो तो इसको आप ऑन कर देंगे। यहाँ से फ्रेंड आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा। फ्रेंड यहाँ पर नीचे आ जाना है, क्यूँ पे आपको क्लिक करके अगर आपके फ़ोन में कोई व्यक्ति कॉल कर रहा है और आप उठा नहीं पा रहे हैं, बिजी हैं, तो अगर आप फ्री होने के बाद में उसकी कॉल चेक करें और आप उसको मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको मैसेज भेज सकते हैं। यहाँ से आप उसको मैसेज भेज देंगे। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा साउंड, साउंड पर आपको क्लिक कर लेना है। साउंड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने फ़ोन की रिंगटोन चेंज कर लेंगे। यहाँ से आपको बहुत सारे रिंगटोन देखने को मिलेंगे। फ्रेंड तो यहाँ से आप अपने फ़ोन के रिंगटोन चेंज करेंगे। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा नीचे एडवांस सेटिंग, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सारे साउंड मिल जाएंगे, टच साउंड, टेप साउंड, स्क्रीन लॉक साउंड, प्ले साउंड। इस तरीके से आपको अपने सारे साउंड ऑन करना है। तो इस तरीके से आपको ऑन कर देना है। यहाँ से बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा वॉइस मेल, वॉइस मेल पर आपको क्लिक कर लेना है। वॉइस मेल पर क्लिक करने के बाद में एडवांस सेटिंग क्लिक करना है। आप वॉइस मेल भेजना चाहते हैं जिस नंबर पे, तो आपको वो नंबर यहाँ पे सेट करना है। सेट करने के बाद में ओके कर देना है तो आप यहाँ से वॉइस मेल भेज सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्लिप टू स्क्रीन साइलेंट, फ्लिप टू साइलेंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको फ्लिप टू साइलेंट पे ऑन कर देंगे। जब आप अपने फ़ोन में फ्लिप टू साइलेंट ऑन करेंगे तो आपके फ़ोन में अगर कोई भी फ़ोन करेगा और आप उठ नहीं पा रहे तो आप अपने फ़ोन को इस तरीके से फ्लिप करेंगे फ्रेंड तो आपका फ़ोन साइलेंट पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में फ्लिप टू साइलेंट को ऑन कर देना है। उसके बाद में यहाँ से पे कर लेना। इस तरीके से आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग करेंगे। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइज तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।